वेलकम टू अद्विश क्लासेस, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इस चैप्टर को ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। तो देखिए, एक टाइम था, ये पूरी स्टोरी डॉग्स के बारे में है। तो डॉग्स जो थे एक टाइम पर अपने खुद के मास्टर्स थे, मालिक थे। जैसे कि वॉल्व्स बोलते हैं हम भेड़ियों को, तो वॉल्व्स रहते हैं इन फ्रीडम, आज़ादी के साथ, है ना। अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड, इल प्लीज्ड बोलते हैं नॉट हैप्पी, जो खुश नहीं था विद दिस वे ऑफ लाइफ, उसे ये तरीका पसंद नहीं था लाइफ का। जब तक कि वो डॉग पैदा नहीं हुआ था तो उसे इस तरह फ्रीडम के साथ रहना पसंद नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय माई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। तो क्या होता है, ही वॉज सिक, वो बीमार था, एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग, वेंडरिंग माने होता है भटकना, तो वो है ना भटकने से मतलब थक जाता था, टायर्ड रहता था। हमेशा उसे ये डर था कि वो लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में उसे भटकना पड़ेगा। एंड बीइंग फ्राइटेंड, और फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ, वो हमेशा डरा हुआ रहता था। ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, वो उन सबसे डरता था जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone of earth. And he set out to find such a master. तो वो क्या, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। He thought, उसने सोचा इस बारे में, and decided that the best thing for him, कि उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा to do, करना, क्या करना, was to become the servant of one who was stronger than anyone, मतलब वो सर्वेंट बन जाए इस अर्थ पर किसी का जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, तो उसने क्या किया, उसने उसकी खोज चालू कर दी, ऐसे मास्टर को उसने ढूंढना शुरू कर दिया। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज। किन्समैन किसे बोलते हैं, देखिए किन्समैन बोलते हैं वायलेंट, जो कि फायर्स होता है, कुकार होता है ना। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज अ बिग वॉल्फ। तो वो एक वॉयलेंट यानी कि एक कुकार वॉल्फ से मिलता है, भेड़िया से मिलता है, एक बहुत बड़ा भेड़िया, हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायर्स। तो वो उतना ही शक्तिशाली था जितना कि वो था, फायर्स था, कुकार था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। तो जो वॉल्फ है उसने पूछा, भेड़िए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो डॉग से। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। तो मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, तो क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, उसने इस तरीके से पूछा। आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो अब क्या होता है, वो हाँ कर देता है वॉल्फ की, क्यों नहीं, ज़रूर बनूंगा, वो एग्री हो जाता है इस बात पे, और वो दोनों साथ चल देते हैं, साथ चल दिए। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ। डार्टेड का मतलब देखिए, शुरू से देखते हैं, दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते गए, और ऑल ऑफ अ सडन अचानक क्या होता है कि वॉल्फ अपनी नाक उठाता है, स्निफ्ड, स्निफ्ड मतलब होता है छींकना, तो उसने छींका, और डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ इनटू द बशेस एंड क्रिप्ट डीपर टू इनटू द फॉरेस्ट। अब क्या होता है, वो रास्ते में से एकदम साइड में हो जाता है, मूव कर लेता है, और बशेस की तरफ जाता है, और वहाँ पर फॉरेस्ट के डीप में जाकर छिप जाता है। द डॉग वॉज मस्ट सरप्राइज्ड, तो डॉग को बहुत आश्चर्य हो गया कि ये क्या हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, वो पूछता है कि मास्टर क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो। ही आस्क्ड,
What has frightened you so? ऐसा करने के लिए आपको किसने डराया है? आप क्यों डरे हुए हो? Can't you see? There's a bear out there. And he might eat up both of us, you and me. तो उसने बोला, तुम देख नहीं सकते क्या? यहाँ पर एक बियर है जो कि हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. तो उसने देखा कि जो बियर है वो वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, तो डॉग ने डिसाइड किया कि अब वो उसकी सेवा करेगा. एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, उसने भेड़िए को वहीं छोड़ दिया. एंड आज द बियर टू बी हिज मास्टर, तो वो बियर से पूछता है, बियर मतलब भालू से पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे. द बियर एग्रीड टू दिस रेडीली एंड सेड, तो बियर रेडी हो गया है ना, उसने हाँ कर दिया और कहा, लेट अस गो फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, चलो अब हम चलते हैं और एक काउस का हर्ड यानी कि काउस का गाय का झुंडों का उसे ढूंढेंगे. ठीक है, उसे ढूंढते हैं. आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, मैं एक गाय को मार दूंगा और फिर उसे खाकर हम अपना पेट भरेंगे. ठीक है, दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस, बट जस्ट एज दे वर About to come up to it, they were stopped by a terrible noise. अब होता क्या है, वो दोनों चल देते हैं, उनको एक हर्ड भी दिख जाता है, झुंड भी दिख जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो अचानक से रुक गए क्योंकि वहाँ पर बहुत टेरेबल नॉइज़ हो रही थी. टेरेबल नॉइज़ मतलब एक भयानक सी आवाज़ आ रही थी, अजीब सी. द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, तो क्या है, जो काउज थी मूविंग मतलब रंभाना, तो जो काउ है वो आवाज़ निकाल रही थी बहुत तेज़, और पैनिक मतलब अचानक से डर में आकर इधर उधर भाग रही थी, सारे डायरेक्शंस में सारी दिशाओं में भाग रही थी. द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, तो बियर ने क्या किया, बियर ने उस पेड़ के पीछे से छिपकर देखा. देन ही टू रेन हेजिटली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और उसने क्या किया, वो तुरंत जंगल की ओर ज़्यादा अंदर से अंदर डीपर मतलब होता है गहराई से, यानी कि जंगल की गहराइयों में भाग गया. अब देखिए ये सीन है, अब क्या होता है आगे. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू डॉग, इट इज़ अ लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स. अब क्या होता है कि वो बताता है उसे कि उसने एक लॉयन को देखा है जो कि जंगल के सारे जगह पर रूल करता है, उसने ऐसा डॉग से कहा इसलिए हमको भागना पड़ा. तो उसने बोला, द लॉयन हु इज ही, लॉयन कौन है, शेर कौन है. डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, वो सबसे शक्तिशाली जानवर है अर्थ पर. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, तो उसने कहा अच्छा ठीक है अब मैं तुमसे गुड बाय लेता हूँ, अलविदा कहता हूँ भालू से. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, तो उसने बोला कि मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए, मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो कि इस पूरी अर्थ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस द लॉइन टू बी हिज मास्टर, तो अब क्या होता है, डॉग लॉइन के पास जाता है और उससे मास्टर बनने के लिए बोलता है. द लॉइन एग्रीड टू इट, लॉइन भी रेडी हो गया, वो सहमत हो गया. एंड द डॉग स्टेड विद हिम, सर्व्ड विद हिम फॉर अ लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, अब क्या है, डॉग उसके साथ रुका, उसने उसकी सेवा की, बहुत लंबे समय तक सेवा की. इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, तो उसकी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी है ना, उसे ये लाइफ पसंद आई, वो खुश था, उसके पास कोई भी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में वो शिकायत कर सके क्योंकि अब फॉरेस्ट में उससे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर लॉयन से ज़्यादा था ही नहीं. एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, तो किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो डॉग को टच करे या उसको परेशान करे किसी भी तरीके से. बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रेन अमिड बेयर क्लिफ व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयन स्टॉप्ड, तो क्या होता है, एक दिन जब वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तभी बेयर क्लिफ्स जो बोलते हैं हम, हाई रॉक मतलब किसी भी हिल को बोलेंगे, पहाड़ी को बोलेंगे या किसी ऊंचे पत्थर चट्टान को बोलते हैं, तो उसके पास चलते हुए अचानक से क्या होता है, लॉयन रुक जाता है ऑल ऑफ अ सडन.
he gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. अब क्या होता है कि वो अचानक से बहुत तेज दहाड़ता है और गुस्से में अपना पैर जो है अपना पंजा पूरे फोर्स के साथ इतनी तेज ग्राउंड में उसने मारा कि वहाँ पर एक होल बन गया, एक छेद बन गया. देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. और फिर क्या होता है, वो पीछे हटने लगता है बहुत धीरे धीरे शांति से. वॉट इज़ इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग सरप्राइज्ड. डॉग ने तभी एकदम वो सरप्राइज हो गया और उसने पूछा कि क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत हुआ है क्या, क्या है ये. I smell a man coming this way. The lion said, "We had better run for it and we'll be in trouble." तो उसने बोला कि मुझे यहाँ से एक आदमी की, एक मैन की स्मेल आ रही है, मुझे स्मेल आई है. तो लॉयन ने कहा अब हम लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं वरना हम लोगों को परेशानी में पड़ जाएंगे. ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन. तो अब ये सब सुनकर वो बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे गुड बाय चाहूँगा. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. अब उसे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो. तो वो तभी लॉयन से गुड बाय कहते हैं. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन. तो डॉग क्या है, आदमी के पास जाता है. एंड ही स्टेड विद हिम, और वो उसी के पास रुका. एंड सर्वड हिम फेथफुली, और पूरी वफादारी से उसने, ईमानदारी से उसकी सेवा की. दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, और ये बहुत समय तक हुआ. बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. और अब क्या होता है कि आज के दिन तक जो डॉग है वो मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट, सबसे वफादार सर्वेंट माना जाता है, और उसका कोई और मास्टर नहीं है अब उसके अलावा. ठीक है, तो हमारी स्टोरी यहीं फिनिश होती है. आगे के चैप्टर्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.